हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा कथा, माँ पार्वती की पवित्र पौराणिक गाथा। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी माँ के अनेक नाम हैं, जैसे दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि। लेकिन इनमें से सबसे सुंदर नाम तो माँ ही है। माँ की पवित्र गाथा। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री पार्वती माता को ही शक्ति कहा जाता है। पार्वती का नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी। लेकिन वह भस्म रमाने वाले योगी शिव के प्रेम में पड़ गई। शिव के कारण ही उनका नाम शक्ति हो गया। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने पार्वती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी पार्वती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें की। पार्वती को यह सब सहन नहीं हुआ, वह वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधों पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूम रहे थे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्तिपीठ निर्मित हो गए। जहां पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया माता का रूप। माता के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। रक्तांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना, न मंत्र न तंत्र और ना ही पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। अगर माँ दुर्गा की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।